नमस्कार मैडम। दादा आपका नर्सरी कहाँ है? हमारा नर्सरी है कल्लड़ी बैरकपुर एक्सप्रेस वे का ऊपर, जगह का नाम है केवटिया। ये बैरकपुर वार्लेट मोड से 9 किलोमीटर कल्लानी का तरफ, कल्लानी से यहाँ लगभग 20 किलोमीटर हाईवे का बगल में नर्सरी है। आप ऑनलाइन प्लांट्स देते हैं? हाँ ऑनलाइन भेजते हैं। और आपके पास कितने सारे वेरायटी है? नर्सरी तो हम पूरा घुमा देंगे, कुछ स्पेशल बताइए जो आपके नर्सरी में मिल जाता है इजीली। रुद्राक्ष मिल जाता है? हाँ मिल जाएगा आपका, और मिल जाएगा आपका 82 थाई बोगनवेलिया वैरायटी। हाँ बोगनवेलिया तो आपके पास बहुत यूज वैरायटी में और काफी हेल्दी प्लांट है और बहुत पुराना। 82 है थाईलैंड का वैरायटी, और इंडिया में तो सब है, आप तो देखा है घूम के। हाँ नर्सरी भी हम आपको सारा दिखा देंगे और काफी पुराना है सारा प्लांट्स आपका। हाँ। बहुत पुराना पुराना बोगनवेलिया का प्लांट है, हम घुसते के साथ में ही देखे हैं। तो चलिए आपको नर्सरी घुमाते हैं और कितने सारे प्लांट्स हैं वो हम सारे बता देंगे। प्राइस के लिए आपको खुद कॉल करना पड़ेगा, दादा आपको बता देंगे कि किस प्लांट का कितना प्राइस है, क्योंकि कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा होता है और प्लांट्स का प्राइस अलग होता है, उसमें पैकेजिंग भी अलग होता है। लोकल होंगे तो आप खुद आ करके ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए नर्सरी घूमते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये युवा नर्सरी है, ये हाईवे के किनारे है और काफ़ी बड़ी नर्सरी है। तो चलिए अंदर चल के घूमते हैं कि इनके नर्सरी में क्या क्या है। प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत सारी वैरायटी भी है इनके पास। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कोई सजेशन है कि मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए नर्सरी घूमते हैं और अच्छे अच्छे प्लांट्स को हम देखते हैं। ये एडेनियम है और काफ़ी हेल्दी थी इनकी प्लांट सारे, और ये देखिए ये टिकोमा का वेराइटी है, ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट है और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। यहाँ देखिए एक नए तरह के का हिबिस्कस है और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देख करके। और यहाँ पे बोगनवेलिया की बहुत सारी वेराइटी है, जिरेनियम है और भी पता नहीं कितने तरह के प्लांट है, कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता है। रुद्राक्ष का भी प्लांट है इनके पास में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनके पास में। ये सारे बटन रोज है, बोगनवेलिया है, टिकोमा की बहुत सारी वेराइटी है, इधर में जेड प्लांट है, सीजनल फ्लावर है, इधर में आपको रखा हुआ है सारा सॉकुलेंट का वेराइटी है। सॉकुलेंट भी काफ़ी हेल्दी थे इनके सारे प्लांट, कोई ऐसा नहीं है कि डैमेज है या कुछ है, जो डैमेज है ये लोग देते ही नहीं हैं, बोल देते हैं कि ये प्लांट ख़राब है आपको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग काफ़ी जेन्युइन बात करते हैं, ये नहीं कि बेचना है तो कुछ भी बेच करके निकल जा रहे हैं। ये ऑर्किड रखा हुआ था और हैंगिंग काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था ऑर्किड का सारा प्लांट। Thank you.
यहाँ पे देखिए ब्लीडिंग हार्ट की बहुत सारी वैरायटी है, रेड है, रेड और वाइट जो होते हैं वो है, क्रीपर प्लांट्स बहुत सारे हैं इनके पास में। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि सारे तरह के वैरायटी हैं। यहाँ रुद्राक्ष रखा हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है रुद्राक्ष के भी सारे। और ये देखिए टिकोमा क्या है प्लांट, ये बूसी है, क्रीपर नहीं है। और यहाँ देखिए एडेनियम है जो कि काफ़ी बड़े और हेल्दी प्लांट है, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी, और कोई भी प्लांट डैमेज नहीं था, सारा का सारा एकदम हेल्दी और अच्छा है प्लांट सारे इनके। और यहाँ पे गुलाब की बहुत सारे पौधे रखे थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे।